नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वक्त के तजुर्बे के साथ बुढ़ापा अनेक बीमारियां साथ लाता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर पर नियंत्रण कम होने लगता है, त्वचा, मांसपेशियां और आंखें कमजोर होने लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि हड्डियों की ताकत भी कम होने लगती है। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य कुमार। बता दें कि शरीर को संभाल कर रखने वाली हड्डियाँ तब कमजोर हो जाती हैं जब इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और मिनरल्स की कमी हो जाती है। इसलिए इस पर ध्यान देना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की ऐसी बीमारी है जिसमें हल्का सा फर्श पर गिरने भर से ही हड्डियाँ टूट जाती हैं। इस बीमारी में कूल्हे, कलाई और रीढ़ की हड्डी टूटने का डर सबसे अधिक बना रहता है। विश्व में हाइपरटेंशन, शुगर के बाद ऑस्टियोपोरोसिस तीसरी बड़ी बीमारी है, लेकिन हमारे देश में लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। भारत में 2.5 करोड़ से अधिक आबादी को ऑस्टियोपोरोसिस है। आपके हड्डियों की क्षति ना हो, इसके लिए दुनिया भर में 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। वैसे भी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। आम तौर पर ठंड में मांसपेशियों पर अकड़न, जोड़ों के हिस्सों में सूजन, कमर और पीठ के दर्द जैसी तमाम समस्याएं ज्यादा होती हैं। जी हाँ, और इसलिए आज के इस अंक में हम अपने विशेषज्ञों से यही समझने की कोशिश करेंगे कि शरीर के जोड़ क्यों अकड़ जाते हैं, घुटने और उसमें किस तरह की समस्याएं आ सकती है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि हमारे जोड़ जब हमारा साथ छोड़ने लगे तब हमें क्या करना चाहिए, साथ ही ये साथ न छोड़े इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय है हड्डियों की खामोश चीख, ऑस्टियोपोरोसिस, कारण, लक्षण, उपचार। तो आप भी अगर हड्डियों से जुड़ी कुछ समस्या से जूझ रहे हैं और आपको हड्डियों में किसी तरह का दर्द रहता है तो आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इस फोन पर कोई पैसा नहीं लगना है और आपकी समस्याएं जो है इसके समाधान के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो बड़े हड्डी रोग विशेषज्ञ। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार बेनीवाल। आप जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थोस्कोपी सर्जन हैं और आप वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल में केंद्रीय हड्डी रोग संस्थान में वरिष्ठ सलाहकार, प्रोफेसर और यूनिट प्रमुख भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बेनीवाल। इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राहुल खरे। आप भी ऑर्थोस्कोपी सर्जन हैं और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अस्थि रोग विभाग में सलाहकार, प्रोफेसर और यूनिट के प्रमुख हैं। तो जाहिर है कि आप दोनों अस्थि रोग के जाने माने सर्जन हैं और आपसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर खरे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो हम बातचीत की शुरुआत करें और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानें, उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर और देखते हैं कि क्या होता है जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। शरीर का एक कठोर अंग है हमारी हड्डियां, जो 50% पानी और 50% ठोस पदार्थ से मिलकर बनती है। जी हाँ, हड्डियां ही तो है जो हमारे शरीर को चलाने के साथ तमाम अंगों का पोषण करती है। गौरतलब है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इसमें 106 हड्डियां तो हाथ और पैरों में ही होती है, लेकिन सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है हमारी जांघों की। तभी तो ये शरीर का पूरा भार भी सहन करती है। गौरतलब है कि हड्डियां बचपन से लेकर किशोरावस्था तक बनती है, बढ़ती है और विकसित होती रहती है। हालांकि बुआई और कटाई से लेकर चलने, दौड़ने और झुक कर काम करने से हड्डियां मजबूत तो होती है,
लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ये इतनी नाजुक और कमजोर हो जाती है कि मामूली सी चोट से भी चटाक से टूट जाती है। लेकिन ध्यान रहे, हड्डियां रातों रात कमजोर नहीं होती, ये प्रक्रिया तो सालों साल चलती रहती है। हड्डियों का क्षरण कैसे होता है, हड्डियां कैसे घिसती है और कैसे कमजोर हो जाती है, आइए समझते हैं कुछ इस तरह। ये है हमारे शरीर के अंदर का कार्टिलेज। जी हाँ, कार्टिलेज वह तरल और लचीला ऊतक होता है जो किसी जोड़ के अंतिम सिरे को ढके हुए रखता है। जब कार्टिलेज घिस जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ती है और इस रगड़ से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखिए, हड्डी के अंतिम सिरे को, यही है शार्क ऑब्जर्वर। इसी शार्क ऑब्जर्वर के कारण फिसलन होता है कुछ इस प्रकार। और यह है हिप ज्वाइंट यानी कूल्हे का जोड़ जो शरीर के ऊपरी भाग को सहता है, जिसके कारण हम खड़े रहते हैं। कूल्हे का सॉकेट इसे चांद की हड्डी से जोड़ता है और फिर यही सारी हड्डियां मिलकर चलाती है हमारे शरीर को। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज 10 में से 4 महिलाएं और 4 में से 1 पुरुष जोड़ और कमर के दर्द से परेशान है। जोड़ और कमर का दर्द उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। और यदि महिलाओं की बात करें तो आमतौर पर घुटनों का दर्द पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होता है। गौरतलब है कि गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए इस दौरान भरपूर कैल्शियम लेने की सलाह दी जाती है। इसी तरह जहाँ थायराइड ग्रंथि का असर भी हड्डियों पर पड़ सकता है, वही मोनोपॉज के दौरान शारीरिक और मानसिक स्तर पर बदलाव आने के साथ हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। अब यदि बात करें चलने, उठने, बैठने में परेशानी की, तो कमर या पीठ का दर्द है ही कुछ ऐसा। बता दें कि लंबे समय तक कमर और पीठ दर्द को टालना कभी अच्छा नहीं होता। और ये भी बता दें कि रीढ़ की हड्डी में होने वाला टीवी इंटर वर्टिकल डिस्क में शुरू होता है और फिर हड्डी में फैल सकता है, इसलिए जरूरी है समय रहते जागरूकता। बहरहाल उम्र कोई भी हो, आपकी हड्डियां होंगी स्वस्थ तो जीवन चलेगा मस्त, क्योंकि हड्डियां शरीर की व्यवस्था होती है, स्वस्थता होती है और तो और देश की सुरक्षा होती है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, तो ये थी जागरूकता से भरी सटीक जानकारी लिए एक विशेष रिपोर्ट। आइए बातचीत की यहाँ पर शुरुआत करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बेनीवाल, सबसे पहले हमें समझाए ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, किस तरह की ये बीमारी है और क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस मुख्यतया जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो शहर में रहते हैं जी, और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब बैठे रहने का काम है, काम कम करते हैं, बैठे रहने का काम है जी, जी। चाहे वो बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, दुकान पे हो बैठे हो, चाहे ऑफिस में बैठे हो, लेकिन हमारे जो आज टारगेट ऑडियंस है वो किसान है जी, जी। फार्मर्स है, उनमें सामान्यतः ये कम देखा गया है ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि वो खेत में काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। इसको ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए मुख्यतया 3 चीजें जरूरी हैं। एक तो संतुलित आहार, दूसरा एक्सरसाइज एक्टिविटी और तीसरा डीप स्लीप जी। तो जो अगर ये तीनों चीजें पूरी करते हैं, और मुख्यतया फीमेल में, लेडीज में ऑस्टियोपोरोसिस पहले हो जाता है जब बच्चादानी जो यूट्रस है उसको पहले निकाल देते हैं, हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, तो उसमें कई बार उसमें ब्लीडिंग होती है, मिनोरेजिया होता है और कुछ गांठ हो जाते हैं बच्चादानी में, तो उस वजह से उसको पहले निकाल देते हैं। तो उस वजह से पहले भी 40 45 50 साल में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है किसान परिवार में। अदरवाइज डाइट की तो डेफिशिएंसी कम चांस है, हालांकि आजकल जो डाइट है वो अडल्ट्रेटेड है, तो उसमें
ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस मुख्यतया जो डिक्रीज्ड बोन कंटेंट है, बोन मास डिक्रीज होता है, मतलब हड्डी का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जो कॉम्पैक्ट मास है, वो कम हो जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया है, वो एक डिफरेंट है, उसमें कैल्शियम मिनरलाइजेशन कम हो जाता है हड्डियों में। बिल्कुल, तो हड्डियों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती है। डॉक्टर खरे आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि विश्व में स्वास्थ्य से जुड़ी जो तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस शामिल है, वजह क्या है इसकी? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस का मैं एक सिंपल शब्दों में बोलूं तो वो है हड्डियों का कमजोर होना। जी, जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो वो जल्दी टूटने लग जाती हैं, कम चोट से ही टूटने लग जाती हैं। इसके जो आपने जैसे पूछा क्यों ये इतनी ज़्यादा है, तो उसके कुछ कारण हैं। मेनली ऑस्टियोपोरोसिस जो है, हड्डियाँ कमज़ोर होना जो है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जो पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब जो महिलाओं में होती है, जब महिलाओं में 45-50 साल की उम्र में जब उनके पीरियड आने बंद हो जाते हैं, तो हॉर्मोन्स की कमी की वजह से वो हड्डियाँ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। और दूसरे प्रकार की होती है जो कि जिसको हम सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जो कि वृद्ध अवस्था में होती है, वो महिलाओं में भी होती है और पुरुषों में भी होती है। तो डॉक्टर बेनीवाल, आपको रुक करना चाहेंगे, अगर हम देखिए जो एजेड लोग हैं या जो की उम्र ज्यादा है, उनमें तो ये कॉमन है, आपने अभी हमें बताया, लेकिन क्या जो जवान है या अधेड़ उम्र के हैं, क्या उन लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या पाई जाती है, उसके बारे में? उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक्टिविटी की कमी होना, एक्सरसाइज वगैरह, वॉकिंग वगैरह कम चलते हैं। जैसे आजकल ऑफिस से घर में और घर से ऑफिस में जाते हैं तो कार में ही जाते हैं, एसी में ही रहते हैं, और डेस्क जॉब है, टेबल पे बैठ के काम करते हैं, और घूमना फिरना काफ़ी कम रहता है एक्टिविटी, उसकी वजह से भी डिसयूज ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनकी सक्रिय जीवन शैली नहीं है, उनमें आमतौर पर ये समस्या देखी जाती है, चाहे वो कम उम्र के क्यों ना। बिल्कुल, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्ते, मैम मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मैम मेरे दो सवाल थे, पहला सवाल ये था कि हमारी जो हड्डियाँ हैं वो कमजोर है, इस बात का हमें कैसे पता चले, पहला सवाल तो ये था। दूसरा सवाल ये था कि वो कौन सी बीमारियाँ हैं जो हड्डी पर ज्यादा अफेक्ट करती हैं, या फिर हमारी हड्डी को उन बीमारियों से नुकसान रहता है। और तीसरा सवाल ये था कि मेरे चलते बैठते उड़ते हड्डियों में आवाज, मतलब जो जोड़ रहते हैं उनमें आवाज चटपट गया, हालांकि कोई तकलीफ वगैरह नहीं होती है, मेरी 22 है तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं विपिन जी, आइए एक एक करके इसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर बेनीवाल, सबसे पहले बताएं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी हड्डियां कमजोर है? देखो, जो ऑस्टियोपोरोसिस है, वैसे तो ये साइलेंट डिजीज है, लक्षण रहित डिजीज है शुरुआत में। कई बार हमारी हड्डी कमजोर होती जाती है, लेकिन ये कोई लक्षण नहीं देता है ऑस्टियोपोरोसिस। और पता तब चलता है जब फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, या फिर सामान्यतया जैसे जिस रोड पे चलने पे दुर्घटना में जो फ्रैक्चर होना चाहिए, वो आप सामान्य तरह फिसल गए बाथरूम में तो फ्रैक्चर हो जाता है, बेड से गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये मुख्यतः है। दूसरा उन्होंने पूछा कि किन साथ में एसोसिएटेड बीमारियां हैं, तो जैसे आपके डायबिटीज मेलाइटिस है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ा हुआ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, और आपके शुगर की बीमारी है, तो और एक्टिविटी आपकी कम है सेडेंटरी लाइफ, तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता जाता है, वो फिर आगे बढ़ाता है। तीसरा इन्होंने कहा कि भाई आवाज आती है, आवाज आना कोई बीमारी नहीं है, घुटने में या कहीं पे भी शरीर में जॉइंट में आवाज आती है, वो सामान्य होती है, वो कोई बीमारी नहीं। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। सर मैं जानना चाहता हूँ कुदरत की नियामत से जो हमें हड्डियाँ मजबूत करने के सूर की खेलने हमारी है, तो उससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती, महिलाएं पूरा कपड़ा खाई लेती है जिससे सूर की खेलना, उससे उनकी हड्डियाँ कमजोर होती है, तो उनके लिए कौन सा संदेश होगा? और दूसरी चीज, कोई हम पार्थिव साधे अगर एक हाथ से पार्थिव चाहते तो हमें एकंगा होना पड़ता, तो हमें बैलेंस बना करके चलवाते जिससे हड्डियों में कोई दिक्कत ना आ पाए,
और हमें अपनी हड्डियों को सेहत को देखते हुए बुढ़ापा के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? बहुत अच्छे सवाल हैं आपके डॉक्टर राहुल खरे, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने बताया कि इनको दर्द हो रहा है और बाल्टी उठाने के बाद भी दर्द हो रहा है, तो और इन्होंने पूछा है कि कैसे कैसे ऑस्टियोपोरोसिस से बचा जाए। तो जो हड्डियां हैं हमारी, ये जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं, बचपन से लेके करीब 25 साल 30 साल की उम्र तक हड्डियों का जो बोन मास है वो बढ़ता है, उसके बाद वो रुक जाता है, उसके बाद वो 30 साल की उम्र के बाद से वो धीरे धीरे कम ही होने लग जाता है। तो हमें आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस ना हो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज करें कि आपको अपना मसल को स्ट्रॉन्ग करने की, मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज करनी होंगी, आपको वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करनी होंगी, जैसे कि दौड़ना, कूदना, वेट्स उठाना, इस प्रकार की एक्सरसाइजेस करनी होंगी। आपको खान पान पर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वाइटामिन डी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वाइटामिन है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचा सकता है, जो कि हमें सूर्य की किरणों से बनता है हमारे शरीर में। तो वाइटामिन डी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कैल्शियम को अंदर खींचता है हमारे शरीर में, एब्जॉर्ब करता है। हैं, वो तो ज़्यादातर खेतों में काम करते हैं तो इस वजह से तो उनको अच्छा खासा वाइटामिन डी मिल जाता है। जी हाँ, और वाइटामिन डी की मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा ज़रूरत दवाओं के थ्रू ना पड़े, इस बारे में भी आप क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, जो रूरल पॉपुलेशन है जो गाँव में रहती है उनको सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है और उनमें विटामिन डी की कमी नहीं होती है, लेकिन जो शहरों में लोग रहते हैं उनके ज़्यादातर सब शरीर ढका रहता है और धूप में वो लोग नहीं जाते हैं। बच्चे भी आजकल फ़ोन पे या टीवी पे लगे रहते हैं तो उनमें धूप का एक्सपोजर नहीं होता है। जी, तो जी। हम अगर किसी में विटामिन डी की कमी होती है तो हम सप्लीमेंट्स द्वारा पूरा किया जा सकता बिल्कुल। है। आइए इस वक्त आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं स्काइप के जरिए, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर एस मूर्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि एम्स के ट्रॉमा सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट है। डॉक्टर मूर्थी, स्वागत है आपका, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो जोड़ों और घुटने से के दर्द से जुड़े जो समस्याएं हैं, क्या खास वजह इनकी होती है? नमस्कार डॉक्टर मूर्ति, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? सुन रहे। अभी जो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं जी, तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, साथ साथ हम खाने पीने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जिस हिसाब से जो आजकल का जो हम फास्ट फूड हम ले रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, उसी की वजह से आज हड्डी कमजोर हो रहा है, जोड़ों में दिक्कत है। अब देखेंगे, अब ऑस्टियोपोरोसिस ये नहीं है आजकल उम्र के हिसाब से, अब कम उम्र में, अभी हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं कम उम्र के बच्चे भी फ्रैक्चर हो गए, खेलते खेलते गिर जा रहे हैं, फ्रैक्चर हो जा रहा। तो कहीं ना कहीं इनकी कान पीन, क्योंकि जो लाइफ है, जो लास्ट 2 साल से हम जो परेशानी में है कोविड की वजह से, जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया बच्चों में देखेंगे, तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए हम कुछ ना कुछ जो है कदम उठाना पड़ेगा। एक तो खान पीन के ऊपर ध्यान देना होगा, जो आजकल जो फास्ट फूड के नाम से जो जंक फूड उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, एंड ये जो नेचुरल फूड है जैसे उसको जो हड्डी को मजबूत कर सकते हैं, विटामिन डी गेन कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दे दें। पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, इनको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, बाहर खेलें, धूप में बैठें, तो ये सब चीज ऑस्टियोपोरोसिस से रोक सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मूर्ति, दोबारा आपका रुख करेंगे और विस्तार से इस बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। लेकिन गांव के परिवेश में हम देखें तो वहां पर भले ही जो सक्रियता जो है वो लोगों में नजर आती है और बहुत ज्यादा वहां पर कामकाज करना पड़ता है, लेकिन जंक फूड की बात आपने की, जो ग्रामीण क्षेत्र शहरों से बहुत ही सटे हुए है वहां भी अब जंक फूड आने लगा है, तो उन्हें भी इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपना जो खान पान है वो पारंपरिक ही रखे और जंक फूड की तरफ न जाए, इससे जो सेहत है उस पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बहरहाल बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल स्वस्थ किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ,
जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम, हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका रुख कर लेते हैं। जवाहर हैं उत्तर प्रदेश से। जवाहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी जवाहर जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जवाहर जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर, ये जो घुटने का दर्द है, हाँ जी, घुटने का जो दर्द है ना सर, हाँ जी, घुटने का जो दर्द, हम सुन रहे हैं, आप पूरा सवाल करिए। ये लाइन कट चुकी है सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जवाहर जी, आपसे एक गुजारिश होगी कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी जवाहर जी, जी जी, फोन लाइन के जरिए बात करें और टीवी की आवाज बंद कर दे, हम आपको सुन पा रहे हैं। घुटने जी सर, दवा लेने से आराम हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर दवा चलती रहती है और उसके बाद आराम नहीं होता। जी जवाहर जी, आपकी उम्र क्या होगी, अपनी आयु बताइए। ऐसा है सर कि जी, जो जी, ये घुटने का दर्द है, दवा लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल जवाब जी, हम आपकी बात समझ गए हैं, आइए इसका जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर खरे, बताएं क्या जवाब देना चाहेंगे आप इसका? देखिए, उन्होंने उम्र नहीं बताई, लेकिन मैं अज्यूम कर सकता हूं कि उम्र उनकी थोड़ी ज्यादा ही होगी। जी जी, तो इसमें जो घुटनों का दर्द है, ये थोड़ा सा आज से टॉपिक से अलग है, लेकिन इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, शरीर के हर भाग में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाते हैं, वैसे ही घुटनों में हमारी जो कार्टिलेज होती है वो भी धीरे धीरे खराब हो जाता है वियर एंड टियर की वजह से, और घुटने धीरे धीरे होके खराब होने लग जाते हैं। तो इनको जो प्रॉब्लम है, जो कह रहे हैं कि दवा खाते हैं तो आराम मिल जाता है, तो ये होता है इसमें, इसका ट्रीटमेंट है, उनको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक्सरे कराएंगे और जिस भी स्टेज पे वो आर्थराइटिस है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर बेनीवाल, अगला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हम जोड़ों की बात करें, खास तौर पे घुटनों की बात करें, तो कई बार होता है जैसे ही ठंड बढ़ती है तो घुटनों की जो समस्या काफी बढ़ जाती है, थोड़ा दवाई लेते हैं तो ठीक हो जाता है और फिर से वो समस्या वापस आ जाती है। अगर हम 4 में से 3 महिलाओं की बात करें तो आमतौर पर उनको समस्या काफी देखी जाती, क्या बताना चाहेंगे आप? महिलाओं में घुटनों का जो दर्द है वो पहले, जैसे अगर किसी महिला में मेनोपॉज से पहले अगर बच्चा दाने निकाल दिए तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है और इस्ट्रोजन कम हो जाता है, उसकी वजह से घुटनों में भी दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो जाता है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, हड्डियाँ सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, मसल भी साथ में कमजोर हो जाती हैं, तो दर्द शुरू हो जाता है। आप ये कह रहे हैं मासिक धर्म बंद होने के बाद ये समस्या आती है महिलाओं में, इसलिए है। बाकी जो सर्दी की ऋतु है, सर्दी की ऋतु में जोड़ों का दर्द इसलिए ज्यादा होता है कि टेम्परेचर कम होने से थोड़े जोड़ों में जो है ना सूजन और नमी आ जाती है, उसकी वजह से ठंड में ज्यादा घुटनों का दर्द शुरू होता है, और उसमें गर्म सिकाई करने से आराम मिलता है, और एक्सरसाइज करेंगे हम, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आराम आता है। जैसे पहले एक कॉलर ने बताया कि दवाई लेने से आराम आ जाता है, लेकिन बाद में ऐसा है कि दवाई लेते रहने पे भी बना रहता है, इसका मतलब वो दवाई वगैरह दर्द की ले रहे हैं, वो दवाई जो आजकल घुटने के जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, घुटना घिस जाता है, उसकी दवाइयाँ भी अच्छी आती हैं, वो दवाइयाँ लें और साथ में एक्सरसाइज करें तो मांसपेशियों को आराम आ जाता है। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहिए मांसपेशियों को मजबूत करने वाले जो एक्सरसाइज या अपना व्यायाम है उसको करने से भी इसमें आराम आ सकता है, तो दवाइयों के साथ साथ। आइए आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। शिव कुमार दुबे जी इस वक्त हमारे साथ सीहोर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। शिव जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। शिव जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, नमस्कार मैडम, मैं शिव कुमार दुबे मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बताएं।
मेरे को 3 साल से कंधे में दर्द। जी शिव कुमार दुबे बोल रहा हूँ सीहोर मध्य प्रदेश से। मुझे 3 साल से कंधे में, ये दाया कंधे में दर्द रहता है, शुगर और बीपी है 22 साल से मुझे। जी तो काफी तकलीफ रहती है हाथ उठाने में, और डॉक्टरों को भी दिखाया तो वो कहते हैं कि शुगर की वजह से, फिर व्यायाम बताते हैं तो आराम मिलता नहीं है मुझे, कुछ क्या करूँ इसके लिए मैं। जी जी डॉक्टर बेनीवाल क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? ये मुख्यतः जो जैसा उन्होंने बताया है प्रेजेंटेशन, उसके हिसाब से इनको पेरीआर्थराइटिस शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर। अच्छा। जिसके अंदर क्या होता है कि शुगर में ये ज्यादा बढ़ जाता है, जब शुगर बढ़ती है तो ये बीमारी खास तौर से ज्यादा बढ़ जाती है। जी जी। और इसमें हाथ को ऊपर नहीं उठा पाते, जैसे हाथ को ये उठाते हैं यूं तो बस ये ऐसे ही होके फिर पूरा टिल्ट होते हैं, यूं नहीं उठा सकते, कंधे पे मूवमेंट नहीं होगी, ऐसे कंधे पे मूवमेंट ना होके, क्योंकि ये मसल्स है ना शोल्डर का जो कैप्सूल है कंधे का, वो जाम हो जाता है, चिपक जाता है, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पेन फिर उससे बढ़ता है, दर्द बढ़ता है, दर्द की वजह से फिर कंधा वो चलाते नहीं है, नहीं चलाएंगे तो और जाम हो जाता है। डॉक्टर साहब आपने शुगर की बात की, क्या शुगर के मरीजों में ही फ्रोजन शोल्डर की समस्या ज्यादा है या बगैर शुगर वालों में भी? बगैर भी होता है, लेकिन जिसमें अगर थोड़ा थोड़ा शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर है, शुगर भी एसोसिएटेड है तो वो ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर उसमें मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज ही उसका एकमात्र उपाय है। उसमें जितना एक्सरसाइज करेंगे, फिजियोथेरेपी करेंगे, शोल्डर को मोबिलाइज करेंगे धीरे धीरे, है ना, मतलब ये काफी टाइम लेता है, साथ में दवाइयों का भी रोल है और फिजियोथेरेपी का रोल है। बिल्कुल, आप फिजियोथेरेपी की डॉक्टर साहब बात करें, डॉक्टर ए एस मूर्ति का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ए एस मूर्ति आपसे एक सवाल ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप एम्स के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो किस तरीके से फिजियोथेरेपी का रोल है ऑस्टियोपोरोसिस में? रोल क्या है फिजियोथेरेपी का ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को दूर करने में? आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है डॉक्टर मूर्ति? डॉक्टर मूर्ति आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है अब तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है, तो यही सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे। डॉक्टर खरे, क्या रोल है फिजियोथेरेपी? हाँ जी, फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है ऑस्टियोपोरोसिस में, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, अगर उनको स्ट्रांग बनाना है तो हमें एक्सरसाइज करनी होगी, मसल्स को स्ट्रांग करना होगा, मसल्स को स्ट्रांग करना होगा और हमें हड्डियों पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा, मतलब कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी होंगी, जैसे कि रनिंग है, जॉगिंग है, स्टेयर क्लाइंबिंग है, वज़न उठाकर एक्सरसाइजेस करना, जितना जोर ज़्यादा पड़ेगा हड्डियों पर, जितना मसल्स ज़्यादा हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जितना मसल्स जो हैं वो हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, जब मसल्स टाइट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनका खिंचाव हड्डियों पर पड़ता है तो हड्डियाँ और भी ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो जब ऑस्टियोपोरोसिस का जो सवाल है, अगर एक्सरसाइजेस से, अगर हम अच्छे से एक्सरसाइजेस करें, हम यंग एज से ही एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो हमारा जो बोन मास है, जो 25-30 साल पे जो हम हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, और जब हम एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करेंगे तो आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस बीच डॉक्टर मूर्ति हमारे साथ फिर संपर्क हो चुका है। डॉक्टर मूर्ति वही सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्या भूमिका रहती है फिजियोथेरेपी वॉकिंग करिए ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम को दूर करने में? हेलो डॉक्टर मूर्ति आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर मूर्ति हम दोबारा आपका रुख करेंगे और स्वस्थ किसान कार्यक्रम में यहाँ पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर बेनीवाल आपसे समझना चाहेंगे, जब हड्डियों के कमजोर होने की बात करते हैं या हड्डियों से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं तो बहुत तरह की समस्याएं इन दिनों हम देख रहे हैं, चाहे बात स्लिप डिस्क की हो, सर्वाइकल की हो, फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, तो किस तरह से ये तमाम चीजें अलग अलग है और किस तरह की साम्यता है, इन पर भी हम बात करेंगे आपसे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल पहले यहाँ पर ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं।
तो प्रेमपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ कासगंज उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। प्रेमपाल जी स्वागत है आपका, बताएं क्या जानना चाहते हैं। प्रेमपाल जी आपसे गुजारिश करेंगे कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, पूछे अपना सवाल। मैं यह है कि रीढ़ की हड्डी जो है उसमें थोड़ा सा दर्द होता है जी, इस चक्कर से थोड़ा हम जानकारी चाहते हैं इससे कैसे रिलीफ किया जाए, क्या है, काफी समय से होता है जी। आपकी उम्र क्या होगी प्रेमपाल जी? प्रेमपाल जी अगर आप अपनी उम्र बता सकें। चल, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है और ऐसे में क्या करें आप बताएं, डॉक्टर खरे क्या सुझाव देंगे, इन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, रीढ़ की हड्डी के भी दर्द होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे कॉमन कारण आजकल जो है वो है खराब पोस्चर। अगर आप ऑफिस में बैठ के दिन भर काम करते हैं, बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो कमर में दर्द हो जाता है। उसके अलावा यंग लोगों को चोट लगने से भी दर्द हो सकता है, कई इन्फेक्शन्स हैं जिनकी वजह से, जैसे कि टूबरक्लोसिस है, टीबी है, इसकी वजह से भी हो सकता है। और जो यंग लोग हैं अगर वो झुककर काम करते हैं, वज़न उठाते हैं, तो उनको डिस्क की समस्या भी हो सकती है जी। और बुढ़ापे में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी रीढ़ की हड्डियों में भी उम्र की वजह से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से भी कमरे में दर्द हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर बेनीवाल, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर अभी हमने बात की कि कम उम्र के लोगों में, अधेड़ उम्र के लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या देखने में आ रही है, क्योंकि हमारी जीवन शैली में काफी बदलाव आ गया है और हम आराम तलबी भी होते जा रहे हैं। यहाँ अगर गांवों की बात करें तो वहाँ की भी न्यू जनरेशन, जो नई जनरेशन, नई पीढ़ी है, वो उस तरीके से अभी काम नहीं करती जैसे कि पुराने ज़माने में किया करते थे। क्या असर उनमें पड़ रहा है, और अगर यंग एज में ये आ जाए, कम उम्र में आ जाए, तो किस तरीके से आगे उनकी लाइफ, जो उनकी ज़िंदगी है, आगे से मैनेज हो सकती है, और क्या कोई प्रोफेशनल लाइफ, जो उनकी व्यवसायिक ज़िंदगी है, उसका भी प्रभाव ऑस्टियोपोरोसिस का पड़ता है या नहीं पड़ता है? सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है। अगर यंग जनरेशन में, जवान बच्चों में भी और अडल्ट लाइफ में, मिडल एज ग्रुप में अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका कारण जानना पड़ेगा, क्योंकि गांव में एक्टिविटी तो खूब है, काम करते हैं, खेत में जाते हैं, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो कई बार कई बीमारियाँ होती हैं। जैसे मान लो किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, उसमें अगर वो गोली इलाज लेते हैं जैसे फेनिटोइन वगैरह, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। दूसरा, कई बार साइकेट्री की भी मेडिसिन लेते हैं, दिमागी बीमारियों की मेडिसिन, उससे भी कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ। तीसरा, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, खाने पीने में जैसे कई कुछ कुछ पेशेंट को, चाहे गाँव के हों, उनको एब्जॉर्प्शन नहीं होता, खाया पिया रस नहीं बनता है, जो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो कई बार उसमें कई चीज़ों की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, कई की रिएक्शन भी जो है एलर्जी होती है जी। जैसे गेहूं से एलर्जी, दूध से एलर्जी, उसकी वजह से भी नहीं होता है। ठीक है, पोषण ना पहुंचने की वजह से भी आप कहना चाह रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या युवा में हो सकती है। इसमें हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। कुंदन जी हैं राजस्थान से। कुंदन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। कुंदन जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो कुंदन जी, अगर आप लाइन पे हैं तो अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, हाँ जी नमस्कार, अपना सवाल। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मेरी उम्र है करीबन 64 साल और मैं ये 5 दिन लगाकर नहीं बैठ पाता हूँ, जबकि मैं खेतों में भी काम करता हूँ, सुबह 3-4 किलोमीटर पैदल भी चलता हूँ, लेकिन कहीं गांव में कोई प्रोग्राम होता है या कहीं बैठना होता है भोजन करते टाइम, तो ये 5 दिन नहीं लगा पाता। आपको आवाज आ रही? हाँ, वो सवाल पूरा करिए कुंदन जी, अपना सवाल पूछिए। आप समझ पाए हैं सवाल? हाँ, सर, आप नहीं बैठ पाते, करना चाहेंगे आप इनके सवाल का जवाब? हाँ सर, सवाल ये सर कि मैं 5 दिन लगा कर जो गांव में बैठते हैं सर, 5 से 5 किलोमीटर के 5 दिन लगा के। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। कुंदन जी की प्रॉब्लम ये है कि ये खेत में काम करते हैं, एक्टिविटी भी करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पालथी मार के नहीं बैठ सकते। पालथी मारने का मतलब है जो है ना क्रॉस लेगिंग बैठने, वो नहीं बैठ सकते। जैसे गांव में कोई एक्सपायर हो जाता है तो जाते हैं तो फर्श पे बैठते हैं। उसकी मुख्य कारण यह है कि उनकी जॉइंट स्टिफ है, उसमें कमर स्टिफनेस हो सकती है, हिप के अंदर चेंजेस आ सकते हैं स्टिफनेस से, और घुटनों में भी हो सकती है।
वो एक ऐसी 35 साल की उन्होंने बीमारी एज बताई। उस एज में मुख्यतया एंकाइलोजिंग स्पोंडिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है, जकड़न भाव, जिसकी वजह से पालथी मारने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें हिप जॉइंट और एसआई जॉइंट इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से दिक्कत है। तो ये किसी अच्छे हड्डी के चिकित्सक को दिखाएं, एक्सरे करवाएं, खून की जांच कराएं, तो वो बीमारी का पता लग जाएगा। उसके अंदर मुख्यतः हिप जॉइंट में बाद में प्रॉब्लम आती है, पहले सैक्रोइलाइक जॉइंट से पीछे चूड़िए की हड्डी है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। जी जी कुंदन जी, जैसा कि डॉक्टर बेनीवाल ने आपको बताया है, आप किसी विशेषज्ञ से मिलिए। इनको सुबह के टाइम फील होता होगा कि थोड़ा स्टिफनेस महसूस होती है, हाँ, थोड़ा जकड़न सी महसूस होती होगी सवेरे के टाइम पे, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो आपको किसी विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा, वो आपसे एक्सरे कराएंगे और आपकी जांच करने के बाद आपको इलाज बताएंगे। बिल्कुल, तो कुंदन जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इस सुझाव पर अमल भी जरूर करेंगे। बहरहाल इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लान, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य किसान। आज इस कार्यक्रम में हम ऑस्टियोपोरोसिस समस्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और विशेषज्ञ की सलाह चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। कृष्ण भाई जी गुजरात से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। कृष्ण जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो कृष्ण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कृष्ण जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम घुटनों की बात कर रहे हैं। जानना चाहिए हमें कि एक स्वस्थ घुटना कैसा दिखता है और अगर किसी तरह की टूट फूट हो जाए तो फिर कैसा दिखता है। तो आइए हम आपको तस्वीरों के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एक स्वस्थ घुटना आपको किस तरह का दिख सकता है। जी हाँ, तो ये आप देख रहे हैं, ये स्वस्थ घुटना है। डॉक्टर खरे इसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हाँ जी, इसमें जैसे दर्शक लोग देख रहे हैं कि घुटना दिखाया जा रहा है और इसके अंदर एक आपको हड्डियों के एंड में आखिर में एक सफ़ेद कवरिंग दिख रही है। इस कवरिंग को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। ये जो कार्टिलेज होती है ये शुरू से लेकर यंग एज तक बहुत हेल्दी रहती है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे इसमें पानी की मात्रा थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाती है और बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर चलने की वजह से, दौड़ने की वजह से पूरी जिंदगी हमारे शरीर का वजन घुटनों पे पड़ता है तो ये कार्टिलेज धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। जब ये खराब होने लग जाता है तो, और खराब होने मतलब कि घिस जाना, जब ये घिस जाता है तो अंदर की जो हड्डी है वो फील होने लग जाती है और उसमें। तो डॉक्टर खरे आप बता रहे हैं कि ये जो कार्टिलेज है इसमें भी कभी कभी टूट फूट हो जाती है, तो क्यों ना हम उन्हें जो हमारे दर्शक है उन्हें ये भी दिखा देते हैं कि अगर कार्टिलेज में टूट फूट हो जाए तो फिर ये कैसा दिख सकता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि अगर जो घुटना है आपका और उसके जो कार्टिलेज है उसमें किसी तरह की अगर टूट फूट हो जाए तो ये कैसा दिख सकता है। डॉक्टर बेनीवाल यहाँ पर आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे? इसमें जो दर्शक देख रहे हैं कि घुटना है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो कार्टिलेज की कैप थी सफेद रंग की जी, वो हट गई है, घिस गया है और अंदर से सबकोंड्रल बोन आ गई है जिसमें बोन टू बोन जब वो रब करती है तो उसमें पेन होता है क्योंकि नर्व एंडिंग एक्सपोज होती है जी, तो उसकी वजह से वो पेन होता है। तो कार्टिलेज घिसना जो है वो मुख्यतया एजिंग प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन जब चोट लग जाती है गांव में किसानों में ज्यादातर ये एजिंग की वजह से या फिर लाइफ स्टाइल की वजह से नहीं होके पोस्ट ट्रोमेटिक है चोट की वजह से। चोट लग गई उसमें मेनिस्कस टियर हो गया, वासर
टूट गया, फट गया, लिगामेंट टूट गया या थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, तो बिल्कुल तो ऐसी कई समस्याएं हो सकती है और इसका क्या उपचार है इसके बारे में भी आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलेज जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। तो कर्शन भाई जी इस वक्त हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं गुजरात से, आइए उनसे बात करें। कर्शन भाई जी स्वागत है आपका, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कर्शन भाई जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए लग रहा है दोबारा हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और डॉक्टर बेनीवाल, जैसा कि आप बता रहे थे कि ये जो लिगामेंट है उसके टूट फूट से किस तरह की समस्या हो सकती है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो लिगामेंट से एक सुरक्षा कवच है हड्डियों के ऊपर, तो ये बताएं कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए फिर इंसान क्या करें? लिगामेंट क्या है कि लिगामेंट है जोड़ को बांध के रखते हैं जी, बैलेंस रखते हैं, क्योंकि लिगामेंट मुख्यतः चार होते हैं घुटने के, एक एंटीरियर क्रूशिएट, पोस्टीरियर क्रूशिएट और लेटरल कोलेटरल, मीडियल कोलेटरल, चारों तरफ। तो वो घुटना उससे बैलेंस बना रहता है, चलता है तो वजन सेंटर में गिरता है, लेकिन जब एक तरफ का लिगामेंट या मेनिस्कस फट गया, टूट गया, तो बैलेंस बिगड़ जाता है, तो एक तरफ वजन ज़्यादा गिरता है, जैसे गाड़ी का टायर घिसता है वैसे ही फिर ये जोड़ घिसने लग जाता है। फिर उसके अंदर हम अगर एडवांस स्टेज है तो ऑपरेशन करते हैं, अदरवाइज हम लिगामेंट को नया बना देते हैं, जो रस्सी टूट गई है उसको नया बना देते हैं, या फिर वो वाशर फट गया उसका रिपेयर भी हो जाता है, या उसको बीच में रस्ते से आता है हटा देते हैं और एक्सरसाइज करवाते हैं तो उससे वापस सुधार हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा घिस गया है तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। डॉक्टर, यहीं पे एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अगर कार्टिलेज घिस जाती है तो किस तरीके से वो कार्टिलेज का आप किस तरीके से उसको आप सुधार कर सकते हैं? कार्टिलेज अगर घिस जाती है तो सबसे पहले हम उसको कोंड्रोप्रोटेक्टिव एजेंट आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, डाइटरी सप्लीमेंट है, वो देते हैं तो उससे घुटना नरिश होता है। एक्सरसाइज बताते हैं जिससे मसल स्ट्रांग होती है तो घुटने को सपोर्ट करती हैं, तो वो रीजनरेट करती हैं कार्टिलेज को भी। और तीसरा हम साइनोवियल फ्लूड कम हो जाता है, जैसे बोलने में आता है ग्रीस कम हो गया, तो म्यूकोविस्को सप्लीमेंट आते हैं चिकनाई के, वो अंदर डाल देते हैं तो उससे भी नरिशमेंट कार्टिलेज दोबारा से सुधार होता है। उसकी वजह से और एक्सरसाइज की वजह से, दवाइयों से और इंजेक्शन से, उससे हम और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पोस्चर करेक्ट करने से हमारी जो है सुधार हो सकता है। अगर मान लो ये तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, अगर ज़्यादा एडवांस है और लिगामेंट बहुत ज़्यादा लेक्स है, बोन डिफेक्ट ज़्यादा है, चलने में पेन है और पैर टेढ़ा हो गया है वायरस की धनुष की तरह, तब हम उसको नी रिप्लेसमेंट करते हैं। नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता तभी पड़ती है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, नर्मदेश्वर जी हैं बिहार से। नर्मदेश्वर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नर्मदेश्वर जी आप तक हमारी आवाज आ रही है क्या, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, जी आवाज जा रही है। हाँ आ रही है, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी अपना नमस्कार सवाल सर। हेलो, हाँ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, आपका स्वागत है। हम बोल रहे हैं सर कि जी हम अपना सवाल ये पूछ रहे हैं कि हमको, ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इसमें हड्डी के लोगों में एक्सरसाइज करना और मेहनत करना, तो हमारा उम्र है 68 जी। हेलो, हाँ जी हमने आपका सवाल सुन लिया है, अब पूरा। और हमारा उम्र 68 साल है जी। जी और उंगलियों में दर्द होता है। अच्छा, और गांठ गांठ में, हाथ की उंगलियों के गांठ में दर्द रहता है जी, और जाड़े में विशेष, और हम कंटिन्यू अगर मैं बैठना चाहें तो स्पाइनल कोड एकदम स्ट्रेट करके, तो हम 15-20 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पा रहे हैं, दर्द कमर में दर्द हो जाता है जी। खरे साहब आप क्या बताएं? हाँ जी, इन्होंने बताया कि इनकी उम्र 68 इयर्स ओल्ड है, 68 साल के हैं, और इनको उंगलियों के जोड़ों में दर्द होता है, तो और इनको रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होता है। तो इनको दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये कि इनको उम्र की वजह से जो बदलाव आ जाते हैं हर जोड़ में आते हैं,
वो एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से इनको दर्द हो रहा है, और दूसरा इनको हो सकता है कि इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जो कि एक प्रकार की गठिया होती है जिसमें कि छोटी हाथ की उंगलियां, पंजे, ये सारे इन सारों में दर्द होता है, और कई और बाकी जो जोड़ हैं उनको भी असर पड़ सकता है, उनमें भी दर्द होता है। जी। तो हो सकता है कि इनको इन दोनों में से कोई चीज़ हो, या तो उम्र की वजह से जोड़ खराब हो गए हों या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो इनको हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलें, कुछ खून की जांच वगैरह करा के, एक्सरे करा के पता चल जाएगा कारण क्या है। बिल्कुल, तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस पर आप अमल भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे सवाल जो हैं वो ईमेल के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं आप लोगों के, तो ऐसे ही कुछ सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। अम्बाला से बलविंदर सिंह जी ने हमें मेल भेजा है और उन्होंने लिखा है कि उनकी माँ को पिछले 15 सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है और लगातार इलाज के बावजूद उनकी परेशानी कई बार बढ़ जाती है, क्या करें? तो डॉक्टर बेनीवाल क्या सुझाव देंगे आप? सबसे पहले इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से जोड़ों में दर्द है इनकी माँ को 15 साल से। अगर मान लो मोस्ट कॉमनली तो ये है घुटनों में दर्द होगा, लेकिन अगर मल्टीपल जॉइंट्स में जैसे कंधे में भी, कोने में भी, रिस्ट में भी, एडी में, घुटनों में, तो हो सकता है रिमेटोइड आर्थराइटिस हो, गठिया हो जी। और सुबह के टाइम अगर स्टिफनेस महसूस होती है, जोड़ों में सोजन भी आ जाती है कई जोड़ों में एक साथ, तो गठिया हो सकती है, उसका भी इलाज है, उसकी दवाइयां हैं, वो दवाइयां लेंगे तो ठीक होता है डिफॉर्मिटी बनने से पहले। लेकिन वैसे अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है घुटनों में, सिर्फ घुटनों में दर्द है जो 15 साल से बता रहे हैं, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांस ज़्यादा हैं। उसके लिए जैसे पहले वाले कॉलर पूछ रहे थे कि मैं 68 साल का हूँ तो मैं क्या करूँ, एक्सरसाइज बताइए डॉक्टर साहब ने, तो जी, मैं एक्सरसाइज का मतलब आपको ये नहीं है कि भाई आपको दौड़ लगाना है या तेज चलना है, आप बैठ के पैर को सीधा करके टाइट करके उठा लो पैर को, तो वो एक्सरसाइज घुटने की हो जाएगी, सिर्फ बैठे रहना। और कई पेशेंट जैसे ये तो बुजुर्ग हैं चल नहीं पाते, कई ऐसे और भी पेशेंट हैं जो चल नहीं पाते, ओबीज ओबेसिटी है उनके, मोटापा बहुत ज्यादा, चल नहीं पाते, तो वो बैठ के प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम करने से भी वजन कम होता है, और वजन कम होने से फिर जॉइंट की प्रॉब्लम और वो ऑस्टियोपोरोसिस की भी ठीक होती है। बिल्कुल, तो रूमेटिक आर्थराइटिस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसी से जोड़ लेते हैं अपना सवाल, और डॉक्टर खरे बताएं हमें कि ये रूमेटिक आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, चूंकि ये हड्डियों से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इनमें अंतर क्या है और कैसे पहचान करें कि कौन सी समस्या है, क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम लोग ने अभी बात करी कि वो हड्डियों का कमजोर होना है, ठीक है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रकार की गठिया है जो कि गठिया की प्रकार है जो कि बच्चों में भी हो सकती है और यंग एडल्ट्स में भी हो जाती है, महिलाओं में ज्यादा होती है। इसमें हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं इनके छोटे जोड़ों में, पैरों के पंजों से, इनसे शुरुआत होती है, दोनों हाथों में, सारे जोड़ों में एक साथ होती है, लेफ्ट और राइट में बराबर होती है। सुबह जब सोकर उठते हैं मरीज तो उनको ज्यादा दर्द होता है, जोड़ों में सूजन होती है, मूवमेंट्स कम रहते हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ता है एक आधा घंटा, एक दो घंटे के बाद उनका दर्द कम हो जाता है। डॉक्टर बेनीवाल आपने बताया कि किस तरह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इसका इलाज संभव है, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानना चाहेंगे, क्या इसका भी इलाज संभव है? रूमेटॉइड का इलाज संभव है, वो अगर शुरुआत की स्टेज में इलाज हो जाए तो जोड़ नष्ट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, नहीं तो जोड़ इरोजन होने से खत्म होते हैं, फिर डिफॉर्मिटी बन जाती है जी। बाद में फिर ऑपरेशन की नौबत आती है, लेकिन शुरू की स्टेज में इलाज होना, डिफॉर्मिटी बनने देगा, इलाज हो जाएगा, दवाइयां हैं, काफी दवाइयां हैं। दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस का जहां तक बात है, ऑस्टियोपोरोसिस एक तरह से मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, उसमें किसी एक जोड़ में पेन ना होकर पूरे शरीर में बॉडी एक होगा, दर्द सा, माइल्जिया फील होना, फटीगनेस, थकावट सी महसूस होती है, और कई बार तो लक्षण होता ही नहीं है, सीधा फ्रैक्चर होता है। इसका इलाज पहली बात एक्सरसाइज एक्टिविटी होगी, वो तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट होगा, एक्सरसाइज से ठीक होगा यंग एज में, लेकिन साथ साथ में संतुलित आहार, डाइट, जिसमें विटामिन,
और कैल्शियम और सारी प्रकार की विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स सारे इंक्लूडेड हों, जो वेज और नॉन वेज दोनों में हो सकती हैं, उसका डिटेल सब जानते हैं। जी जी। तीसरा दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जब एक बार हो गया है तो उसमें ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो हड्डियों से कैल्शियम को निकलने से रोकता है। जी जी डॉक्टर बेदीलाल, जी जी हमने तो समस्या और इसके जो उपचार है उस पर कई बातें कर ली हैं और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, तो चलते चलते कुछ बचाव की बात कर लेते हैं। डॉक्टर खरे आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया था कि महिलाओं में ये समस्या जो ऑस्टियोपोरोसिस की है वो बढ़ सकती है, खासतौर पर पोस्ट मेनोपॉजल, तो ऐसे में बचाव के लिए क्या पहले से कुछ बदलाव अपने जीवन शैली में की जा सकती है ताकि ये स्थिति ना आए? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, खासकर अगर महिलाओं की बात करें या यंग एज में सभी लोगों के लिए। जी जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी डाइट बहुत इम्प्रूव्ड रखें, उनमें विटामिन डी, कैल्शियम ये ज़रूर रहे, प्रोटीन्स की मात्रा अच्छी रहे, और यंग एज में जब बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं तो खूब खेलें कूदें, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो हम पीक बोन मास जिस पे पहुंचते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे। बिल्कुल। और बहुत ही संक्षेप में अब डॉक्टर बेनीवाल आपसे कुछ सुझाव चाहेंगे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जंक फूड जो है, आजकल के बच्चे हैं जो जंक फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और ये पिज्ज़ा बर्गर और चिप्स और नमकीन कुकीज और ये जो ब्रेड वगैरह खाते हैं, ये अवॉइड करें। सिंपल भोजन करें जो है, जहाँ से ड्राई फ्रूट है, जर्मिनेटेड जो जो सीड्स है, जर्मिनेटेड पानी में भिगो के जो पोषण से भरपूर खाना है वो खाएं। डॉक्टर राजेंद्र कुमार बेनीवाल और डॉक्टर राहुल खरे, आप दोनों ने इस कार्यक्रम में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बहुत फायदा होगा इन जानकारियों से। और इस बीच आपको बता दें कि आपके ढेर सारे जो ईमेल्स हैं, सवाल है, वो लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं। जैसे अगर कुछ ईमेल्स का जिक्र यहां पर करें तो पटना से 22 वर्षीय आभा सिंह जी ने पूछा है कि उनकी माँ को लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है जिसके कारण वे काफी परेशान रहती है। वहीं दूसरे ईमेल में पलवल से अंकित राणा जी ने बताया है कि घुटने के जख्मों पर बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, समय क्या करें। तो दोस्तों, हमारी कोशिश होगी कि बहुत जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपके इन समस्याओं को लेकर आए, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से दो दिन पहले डीडी किसान के माध्यम से मिल जाएगी। आप चाहे तो आप इसी तरह से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा जो हमारा ईमेल आईडी है वो भी हम आपको बता दें, जिस पर आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इसके साथ स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आज बस इतना ही, अब अगले सप्ताह होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।